हाँ तो दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 18% से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे बैंक का कम हुआ है और ये नंबर आया है 97 करोड़ पे। तो देखिए, ये नंबर कम होने के सबसे पहले तो दो रीजन्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। एक तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने 18 करोड़ से ज़्यादा की प्रोविजनिंग यहाँ पे की है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर किए गिरा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, खास करके अगर हम देखेंगे जो एम्प्लॉई कॉस्ट और जो नए नए ब्रांचेज ओपन करने की जो कॉस्ट वहाँ पे कंपनी की लगती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को 97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे अराउंड 8 to 9 times हमें यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी ये नंबर आया है 4.1% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर था 4.24% पे, यानी कि 0.14% से यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर कंपनी का कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब अगर हम नेट एनपीए की नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.32% हमें कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 2.15% पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी के बैंक की काफी अच्छे तरीके से हमें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, डेफिनेटली जब भी बैंक प्रोविजनिंग ज्यादा करता है और वहाँ पे एक अच्छे वे में अगर एनपीए के नंबर बैंक के कम होते हैं और अगर आने वाले टाइम पे ज्यादा एनपीए की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है तो वहाँ पे प्रोविजनिंग का नंबर काफी ज्यादा कम हो जाता है और एट द सेम टाइम वहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आती है। तो देखिए, मैं ये बोलूंगा कि बैंक यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक को ऐसा लग सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर एनपी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन काफी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे बैंक थोड़ा कंजर्वेटिव वे में जाके अभी अपना प्रॉफिट कम दिखा के यहाँ पे कम प्रोविजनिंग करने की कोशिश यहाँ पे बैंक की तरफ से की जा रही है। सॉरी, ज्यादा प्रोविजनिंग करके कम प्रॉफिट यहाँ पे भी बैंक दिखाना चाह रहा है। अब अगर हम प्रोविजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 14% के ग्रो हुआ है और ये नंबर आया है 141 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो ग्रॉस एनपीए के नंबर्स है, नेट एनपीए के नंबर्स है, तो पहले इतने बैड थे, बिना प्रोविजनिंग के अलावा भी वहाँ पे हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है और उसके अलावा ये जो प्रोविजनिंग की है उसके बाद में जो नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। तो एसेट क्वालिटी बैंक की अगर हम देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बावजूद यहाँ पे काफी अच्छा हमें ये नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर कंपनी जो बैंक के नंबर्स है वो यहाँ पे हमें अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज की अगर हम बात करेंगे जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस होती है तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें कम नजर आता है। आई थिंक अराउंड 150 करोड़ के लगभग का एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, यानी कि जो सीएनबीसी टीवी18 का जो पोल था उसके अंदर लगभग 150 करोड़ के एक्सपेक्टेशन वहाँ पे किए गए थे। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसे ये नंबर काफी कम आया है। तो हो सकता है कि कल शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे तो मार्केट का जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम देखेंगे अभी इंडिया में 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें लिस्टेड नजर आते हैं, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो एयू बैंक काफी थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे वो बैंक ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स हमें नजर आते हैं। लेकिन ये जो बैंक है एक वेल पोजिशन बैंक हमें यहाँ पे नजर आता है और अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आने वाले 2 से 3 साल अगर काफी अच्छे रहते हैं तो वहाँ पे स्मॉल एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ये काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। जो बड़े बैंक से उनके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पर अगर बैड टाइम्स आते हैं, यानी कि अगर कुछ भी जैसे कोविड जैसी प्रॉब्लम्स अगर यहाँ पे क्रिएट होती है तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम्स होगी तो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही होगी, क्योंकि इनका अगर हम देखेंगे इनका जो मेन कस्टमर बेस है वो रूरल एरियाज वाले लोग हैं। उसके अलावा जिनकी इनकम काफी कम रहती है वो इनका मेन कस्टमर बेस रहता है और वहां पर उनके जो डिपॉजिट है वो वहां पे काफी ज्यादा जल्दी ले सकते हैं। और किसी भी बैंक की जो डिपॉजिट बुक होती है वो ये कब से ज्यादा वो उसके लिए स्ट्रेंथ होती है और अगर डिपॉजिट बुक अगर एकदम से कम हो जाती है तो वहां पे बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कॉल लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो क्वार्टर वन के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।